हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी समरी इन इंग्लिस राइटर्स वी कॉल्स इज ग्रांड मदर एज शॉर्ट हेल्दी एंड स्लाइटली बैंड तो राइटर खुशबंद सिंह ग्रांड मदर को याद करता है एज अ शॉर्ट हेल्दी एंड स्लाइटली बैंड थोड़ा झुकी हुई हर हेयर्स वर्ड सिल्वर इन कलर और उनके बाल सारे सफ़ेद हैं बिकॉज ऑफ सी वॉज वेरी ओल्ड वर स्कैटर्ड मैसली ऑन हर रिंकल्ड फेस और उनके फेस पर स्कैटर्ड मीज बिखरे हुए हैं रिंकल्ड फेस मीज झुर्रियों उनके फेस में झुर्रियाँ हैं ओके शी यूज़ टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लॉथ्स और पूरे घर में वो वॉक करती हैं सफ़ेद कपड़े पहनकर मोस्टली सी 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 योज टू वियर वाइट वाइट साड़ी ओके शी कैप्ट हर ऑन हैंड रेस्टिंग ऑन हर बेस्ट एंड द अदर हैंड वॉ स्टैलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी एक हाथ उनका बैलेंस के लिए चलने के लिए कमर पर रहता है और दूसरा दूसरे, दूसरे हाथ में उनके रोजरी मीस माला रहती है जिसमें वो राम राम झपा करती हैं द राइटर्स थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्लेटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम तो राइटर ऐसा सोचता है कि वो ज़्यादा प्लेटी नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम लेकिन उनके जो डेट्स हैं जो उनके अच्छे काम है वो उनको ब्यूटीफुल बनाते ऑल द टाइम ही सर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप और वो उनके फेस को किससे कॉम्पेरिजन करता है विंटर स्केप से बिकॉज विंटर स्केप द प्लेस वेयर देर इज नो देर इज नो नॉइज दैट्स कॉम्पेरिजन कम्पेरिजन काम फेस विद द विंटर लैंडस्कैप ड्यूरिंग दर लेंथ ही स्टे इन द्लेज ग्रांड मदर वॉक वॉक हिम अप फ्रॉम द बेड अर्ली मॉर्निंग प्लास्टर्ड हिज बोर्डिंग स्लेट ऑर्गनाइज हिज ब्रेकफास्ट एंड सेंट हिम टू द स्कूल और देखिए जब खुशबन सिंह गांव में रहा करते थे तो उनकी दादी माँ उनको उठाया करती थी और उनकी स्लेट को साफ किया करती थी और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया करती थी एंड सेंट टू एंड सेंट हिम टू द स्कूल और उनको स्कूल भेजा करती थी और साथ में जाया करती थी ऑन देर वे वेक टू द होम शी योश टू गिपदा इस्टाइल चपाती टू द स्ट्रीट डॉग्स और जब वो वापस आया करती थी तो वो रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स मिला करते थे उनको स्टाइल चपाती मीन्स बासी रोटियाँ खिलाया करती थी एय टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप अराइव वैन दे वू लिव इन अ सिटी अब देखिए खुशबं सिंह की जो ब्लेज एजुकेशन है जो प्राइमरी एजुकेशन वो कम्प्लीट हो गई अब उनको आ, हाई स्कूल हाई स्कूलिंग के लिए कहाँ जाना है सिटी में जाना है तो देखिए अब टर्निंग पॉइंट आता है खुशबंत सिंह और उन ग्रांड मदर के ग्रांड मदर के बीच क्या टर्निंग पॉइंट आता है नाउ द राइटर यूज टू गो टू द सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस एंड स्टडी सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट दोज हिज ग्रांड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल अब देखिए पहले दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह स्कूल जाया करते थे अब उनको लेने के लिए बस आती है और उस स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो दादी माँ को पसंद नहीं है लाइक इंग्लिश डिड नॉट इंटरेस्ट दिस सब्जेक्ट दैट्स बाई हिज ग्रांड मदर हिज ग्रांड मदर लॉन्गर गो टू स्कूल विथ हिम टू

सिटी स्कूल में क्योंकि ऐसे ही होता है वैन द राइटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी टू गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस अब देखिए राइटर यूनिवर्सिटी जाता है तो अब उसके लिए बड़ा हो गया है तो उसके लिए अब सेपरेट रूम हो गया है द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रांड सन एंड द ग्रांड मदर वॉज ब्रोकन नाउ और जो उनके लिंक uh, थी वो अब ब्रोकन हो गई क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व विद स्टडी अब वो दादी माँ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है ग्रांड मदर रियली टॉक टू एनिमल इन द हाउस ना अब ग्रांड मदर को बहुत ही कम टाइम मिलता है मीन्स ऑल आर विजी विद दियर वर्क ठीक है तो ग्रांड मदर को बहुत ही कम टाइम मिलता है कि उनसे वो बात कर पाएं शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड्स हर स्पिनिंग व्हील एंडाइडिंग पेरियड्स ऑफ गॉड अब वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स स्पेंड विथ स्पिनिंग व्हील व्हील को चलाया करती हैं डिसाइडिंग पेरियड्स और पेयर uh, प्रेयर करती रहती हैं गॉड की शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरो वर्ड्स इन द आफ्टरनून और दोपहर में वो वर्ड्स को फीडिंग फीडिंग कराती हैं वेन द राइटर लेफ्ट फॉर एब्रॉड फॉर इज फर्दर स्टडी हिज ग्रांड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल अब देखिए अब वो फर्दर स्टडी के लिए कहाँ जा रहा है एब्रॉड जा रहा है अब ग्रांड मदर और भी अब उससे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब विदेश uh, जा रहा है पढ़ने के लिए रातर्षि सो हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट airport. हर her मदर एट दिस ओल्ड एज द राइटर was थिंकिंग दैट इट माइट बी हिज लास्ट मीटिंग with हिज grandmother. मदर तो देखिए अब वो इतनी ज्यादा बूढ़ी है कि अब राइटर पांच साल के लिए विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए तो वो सोचता है शायद मैं वापस आऊँ तो अपनी ग्रैंड uh, मदर से ना मिल पाऊँ वट वैन ही कम बैक होम आफ्टर ड्यूरिंग फाइव ईयर हिज ग्रैंड मदर वॉज देयर टू वेलकम हिम बैक एंड ही सो ही सो हर सेलेबरेट हिज रिटर्न अब देखिए वो जब देखता है तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उनकी दादी माँ भी ालिव हैं ठीक है और वो उनकी होमकमिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करती हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द रिटर्न ऑफ इज ग्रांड सन शी गौटिल अब देखिए जब वो वापिस जाने वाला होता है ग्रांड सन तो वो बीमार हो जाती हैं ऑल दो ऑल दो द डॉक्टर टोल दैट इट वॉज स्लाइट फीवर एंड वुड गो अबे वेरी सोन तो वो कहती हैं कि डॉक्टर तो कहता है कि वो थोड़ा ही बुखार है चला जाएगा स्टिल शी कुड फोर्सी दैट टाइम टू लिव दिस वर्ड्स वॉज नियर फोर्सी मीन्स होता है फ्यूचर टाइम मीन्स उनको एहसास हो जाता है फोर्सी uh, जो दादी माँ है उनको एहसास हो जाता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी शी डि नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समन अबाउट टाइम वेस्ट नहीं कर Uh, करना चाहती हैं किसी के साथ बात बात के वो बात करें शी वेंट टू हर बैड प्रेइंग एंड टेलिंग द वीड्स टिल हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हम लाइफ लेस लाइफ लेस हैंड अब देखिए वो प्रेयर करती करती रहती हैं और राम नाम जपती रहती हैं माला से तो जब उनकी अंतिम सांस निकलती है तो वो जो माला है वो उनके हाथ से गिर जाती है टू ग्रीव हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो फ्लू इन एंड सैट डिस्पर्ड अराउंड हर बॉडी जब वो देखिए मृत्यु को प्राप्त होती है तो थाउजेंड ऑफ स्पैरो आते हैं उनकी डेड बॉडी बॉडी के चारों तरफ बैठ जाते हैं ऑल द स्पैरो फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज वेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरीड अवे फॉर द लास्ट फ्लाइट्स तो देखिए सारे वर्ड्स जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो सारे वर्ड चुपचाप विदाउट नॉइज उड़ जाते हैं ओके दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा थैंक यू